हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस इवनिंग ब्लॉग में। तो देखिए, ये है लंच के बर्तन। तो चलिए फटाफट है जो लंच के बर्तन हैं उनको मांज लेते हैं, उनको साफ़ कर लेते हैं। और आज का जो ब्लॉग है वो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। क्योंकि आज करेगा नूर डांस, आप सबको दिखाएगा। देखिए कितना प्यारा डांस करता है वो, और वो अपने आप ही अपना खाना खाएगा, और जो स्कूल का काम है वो भी आज अपने आप ही करेगा। तो पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखें, अगर ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे बर्तन हैं उनको मैंने फटाफट से मांज लिया है। सबसे पहले तो मैंने बर्तनों के ऊपर से जो जूठ थी वो मैंने उतार धो के अलग से सिंक में रख दिए थे। उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन हैं जो फटाफट से मांजे हैं, और अब जो है सारे बर्तन हैं फटाफट उनको धो लेंगे। तो उसके बाद फिर आएंगी प्रिया और सिमरन, उनको फिर मैं दूंगी लंच, और फिर चाय का टाइम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट है जो लंच के बर्तन वो फटाफट साफ कर देते हैं, निपटा देते हैं। तो यहाँ पे जो लंच के बर्तन मैंने मांज दिए हैं सारे के सारे, और देखिए सिंक भी उसके बाद मैंने धो दिया है, और यहाँ पे जो सारे बर्तन हैं वो भी मैंने मांज के लगा दिए हैं। और यहाँ पर बज गए हैं शाम के 4, प्रिया और सिमरन का ट्यूशन का टाइम हो गया है, आज उनकी छुट्टी है तो आज काम कराऊँगी मैं। तो देखिए यहाँ पर कर रहा है नूर अपना स्कूल का काम, इसको मिला है छोटा ए से एप्पल, इसको आज ये फर्स्ट टाइम मिला है। मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं बताया कि कैसे करना है, देखिए अपने आप ही कर रहा है, और इस साथ साथ में बोल भी रहा है कि छोटे ऐसे एप्पल। आज ये छोटा ऐसे एप्पल इसने फर्स्ट टाइम किया है, और वो बिना ट्यूशन के। तो इंग्लिश का काम है इसका ख़त्म हो गया है, अब करेंगे हम हिंदी का काम। जो हिंदी का काम है वो उसमें करना है इसको, क से कबूतर से लेकर म से मछली तक, और आगे भी है। ये देखिए जो ऊपर के वर्ड्स हैं उसने पहले किए हुए हैं, और जो पैसे पतंग पैसे फल है वो ये आज फर्स्ट टाइम कर रहा है, उसका काम उसने कर लिया। अब आगे हम मैथ पे 51 से लेके 80 तक काउंटिंग है, और इन्हें फटाफट अपना स्कूल का जो काम है वो सारा फिनिश कर दिया है। और अब ये काम करने के बाद अपने जो टॉयज हैं वो उठा के उनकी जगह पर रख रहा है। टॉयज उठाने के बाद इसने अपना बैग उठाया और उसको अपनी जगह पर रख के आएगा, क्योंकि इसको पता है कि बैग रखने की जगह कहाँ पर है। मैंने सिर्फ इसको एक ही बार बताया था कि बेटा आपका बैग जो जगह है अपने बैग को यहाँ पे रखना है। और देखिए काम करने के बाद कितना खुश है कि अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं खेलूँगा। बैग रखने के साथ साथ वो अपनी मस्ती भी कर रहा है और अपना बैग भी रख के आ रहा है। और देखिए उधर जाके और ये चला गया अपने कमरे में, आप देखते रहिए। इसको पता है कि इसने अपने बैग कहाँ रखना है, ये तो स्कूल से आएगा अपना बैग वहीं रखेगा, आके फिर स्कूल ट्यूशन जाता है यहीं से अपना बैग उठाएगा और यहीं पर आके रख देगा। तो देखिए इसने अपना बैग यहाँ पर रख दिया है, तो तब तक मैं चाय बना के ले आती हूँ। और यहाँ पर आ गया, चाय बनकर बिल्कुल रेडी है। एक चाय है प्रिया की, सॉरी एक चाय है सिमरन की, और एक है मेरी। प्रिया और नूर को मैं चाय नीचे दे के आई हूँ। देखिए सिमरन भी आप सबको हेलो कर रही है, तो कह रही है मुझे अभी नहीं पीनी है। मैंने कहा नहीं अभी पी लो, फिर ठंडी हो जाएगी। तो ये उठ गई है चाय पीने के लिए, और तो यहाँ पर मैं भी अपनी चाय पी लूँगी गर्मा गर्म। नूर को और प्रिया को चाय वो मैं नीचे दे के आई हूँ। तो चाय पीने के बाद अब करेंगे रात के डिनर की तैयारी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पहले ही राजमा भिगो दिए थे। आज बनेंगे राजमा चावल, लहसुन मैंने छील दिया है, तो फटाफट प्याज और अदरक को भी छील लेते हैं। लहसुन प्याज अदरक को छील के कट करके और धो के, और यहाँ पर आलू भी कट कर लिए हैं, और यहाँ पर आ रही है राजमा के अंदर सीटी, तो फटाफट इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। फ्राई पैन में तेल डालकर गर्म होने के बाद मसाला भून लेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको भूनने, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक इसको भूनते रहेंगे और बार बार बीच में हिलाते रहेंगे। तो देखिए लहसुन और प्याज अदरक है उसको बारीक ग्राइंड करके फिर हमने इसको भून लेंगे। और देखिए यहाँ पर जो भून भी हो गया है, हल्का सा कलर चेंज हो गया, अब डाल देंगे इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्च। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम तीखा खाते हैं तो मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और टेस्ट के थोड़ी सी ही हल्दी। ये सब ड्राई मसाले डालने के बाद मसाले को अच्छे से भून लेंगे। फिर डाल देंगे इसके अंदर टमाटर की प्यूरी, और देखिए टमाटर को भी अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक ये ड्राई ना हो जाए, अच्छी तरह से घी ना छोड़ दे। और देखिए मसाले जो है घी छोड़ना शुरू कर दिया है, वो कितना ड्राई भी हो गया है। तो यहाँ कि हमारे प्याज और टमाटर वो अच्छी तरह से भून हो गए, अब डाल देंगे इसके अंदर आलू कटे हुए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको आलू खाना पसंद है राजमा के अंदर तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आलू डालने के बाद है जो मसाला वो अच्छे से भूनोगे, आप तेल के जो बबल्स हैं वो देख रहे हैं, यानी कि जो मसाले ने घी छोड़ दिया है। इधर जो राजमा है वो भी अच्छे से पक चुके हैं। अभी जो हमारा मसाला है
इसके अंदर राजमा के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैंने एक तरफ में उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा पानी डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से घुली घुली और अच्छी तरह से मिक्स होकर बने। और ये जो पानी है गर्म हो गया, अब डाल देंगे इसको हम कुकर के अंदर। पानी डालने के बाद के 2 से 3 सीटी ही लगवानी है और सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे सब्ज़ी बनाने लगी हूँ, यहाँ पे नूर कर रहा है डांस। जैसा कि मैंने आपको व्लॉग में शुरू में बताया था कि आज नूर डांस करेगा, मुझे घूम घूम कर डांस करता है। तो देखिए शाम के बज गए हैं 7:30, तो चलिए डिनर की तैयारी हो गई है। सब्ज़ी भी बनकर तैयार है, रोटी भी तैयार है, और जो चावल है वो भी बनकर तैयार है। यहाँ पर आ गया है नूर का डिनर, राजमा चावल और रोटी। मेरा बेटा है नूर, उसको चावल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। देखिए मैं उसको चावल कैसे खिलाती हूँ। कई बार होता है कि बच्चे चावल नहीं खाते हैं, तो आप उसको जिस तरह से मैं खिला रही हूँ आप इसको इस तरह से खिलाएं। देखिए पहले उसने खाने को जय कर लिया और उसके बाद खाना खाना शुरू कर दिया। वो कह रहा कि मम्मा मैं सिर्फ एक रोटी ही खाऊँगा, चावल नहीं खाऊँगा। मैंने कहा नहीं देखो, अभी मैं खिलाती हूँ इसको। अगर इसको अपने आप खाने दिया तो ये सिर्फ रोटी रोटी खाएगा, चावल बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो इसको अब खाना मैं खिलाऊँगी। तो देखिए मैंने चावल और सब्जी को दोनों को मिक्स करके उसको रोटी की बाइट के साथ उसको दोनों को मिक्स करके दूंगी, ताकि बच्चा चावल भी खा सके, सब्जी भी खा सके और रोटी भी खा सके। तो देखिए बच्चा है, कई बार जिद करता है कि चावल नहीं खाने हैं, पर मैंने उसको चावल खिलाने हैं, क्योंकि चावल जो है उसके अंदर फैट होता है, बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए चावल रोटी और सब्जी तीनों को मिक्स करके मैं उसको बाइट के साथ दे रही हूँ, ताकि वो अच्छी तरह से खा सके। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है, इवनिंग का ब्लॉग है, मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इससे आपको कोई सीख मिली होगी कि बच्चे को कैसे अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, कैसे उसको संभाल के रखें। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग है आज यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आने वाली मेरी न्यू रेसिपी वीडियो आप सबसे पहले देख सकोगे। तो देखिए मैंने इसको थोड़े से चावल भी खिलाए हैं, रोटी भी खिलाई है और सब्जी भी खिलाई है। तो गाइस आज मैं आपसे विदा लेती हूँ यहीं पर। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे मुझे ज़रूर बताएं कि मैं आपको कौन से टाइम पर अपना डेली रूटीन बताऊँ, और आपको क्या नई रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। आपको मैं राजमा सब्जी की रेसिपी दे चुकी हूँ, तो चलिए चलते हैं। और आप सबके लिए बाय बाय।